उसका जो इंटरेस्ट था उसको मैं सपोर्ट करके गया, उसने भी बहुत सारे सक्सेस लाए, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बचपन से लगता था कि यश आगे बढ़ेगा कुछ? या जरूर आपके सपनों को पूरा करेगा। या सतीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और ब्रांचेस के बारे में? नहीं सही में अभी कल हमारी वाशी में बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ था कोपर करने में, आज कुरला है तो ये वीक में और दो चार बड़े बड़े मॉल है जो खुलने जा रहे हैं। पूना वाले काफ़ी एक कर कैसे है कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग कौन से हिसाब से कुछ किस एटीट्यूड से उसको कर रहे हैं वो अहमियत। और मुझे बहुत खुशी है कि सुवर्णकोकन फूड मॉल में यश जैसे सोशल एंटरप्रेनर है, कई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट है जो ये प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं। नहीं फार्मर जुड़ रहे यानी लास्ट 5 साल से हम लोग फार्मर के लिए काम कर रहे हैं। फार्मर सुसाइड ये बहुत बड़ा इशू है अपने महाराष्ट्र में, नहीं ऑल ओवर इंडिया में, तो उनका जीना थोड़ा इजी हो जाए, उनको वैल्यू एडिशन कुछ कर दे, ट्रेडिशनल खेती के ऊपर डिपेंड्स रहने के अलावा हम लोग उनको ऐसे कोई टेक्निक्स अच्छे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम लोग उनके पास जाते हैं। इसके लिए आपने पूरे 5 साल में देखा रहेगा महाराष्ट्र का कोई तालुका नहीं जहाँ पर हम गए नहीं और लोगों को एजुकेट किया नहीं, और उसकी जो फ्रूट्स है वो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। फूड मॉल उसी में ऐसा एक है क्योंकि आज तक हम लोग ने अच्छे नस्ल की मुर्गियाँ बढ़ाना कैसे है प्रोफेशनल वे से वो सिखाया, आज जब वो तैयार हो गए तो उनका ही माल हमें मुंबई में बेचने मिल रहा है, तो उनको एक बड़ा मार्केट फूड मॉल के थ्रू उनको मिल रहा है।